हेलो गाइस, मैं चैनल माय सेल्फ एशिया शुरू हूँ, मैं समझ जयपुर। और गाइस, अब अपन पढ़ेंगे जो एंड्स, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने स्केलेटल सिस्टम को देखा, ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे जॉइंट्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया जॉइंट्स, राइट। तो आज अपन पढ़ेंगे जॉइंट्स। देखो, अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बोलूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो क्या रहा है भाई। आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, सारी बोन्स आपने देखी बढ़िया से, आपको अब आप एक स्केलेटल सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के बता सकते हो कि आपको बहुत कुछ उसके बारे में पता है, ठीक है। एक चीज और समझो भाई, लेट्स से अगर एक एडल्ट ह्यूमन का स्केलेटन है, ठीक है, तो वहाँ पे 206 बोन्स रखी हुई है, ये सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इन दो बोन्स के जुड़ने को कहते हैं जॉइंट्स, राइट। तो ये जॉइंट्स क्या है, मतलब भाई इतने ज़्यादा जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको अपन को क्लासीफाई करना है। बहुत सिंपल क्लासीफिकेशन बोलूँ, ठीक है, तो आराम से अगर एक सीधा सीधा क्लासिफिकेशन बोलना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक आम आदमी को समझाना हो, ठीक है ना, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई जॉइंट्स उस नज़रिए से देखा जाए कि कितना मूवेबल है, ठीक है। भाई जॉइंट्स तो दो पैरेटल बोन के बीच में भी है, बट वो जॉइंट्स मूवेबल है नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इमूवेबल जॉइंट्स हो गए, ठीक है। और एक अपना हो गया, जैसे ये जॉइंट हाथ का, देखो पूरा का पूरा मूवेबल है, ठीक है, पूरा का पूरा मूवेबल है, ठीक है। तो ये एक तरह का जॉइंट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये जॉइंट्स को समझने के लिए अपन ऑफकोर्स क्लासीफाई करेंगे, एंड टुडे वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है ना, तो यही अपना टॉपिक होगा मेन, कि क्लासिफिकेशन क्या है जॉइंट का। अगर ये अपन को समझ में आ गया तो अपन आराम से जॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे स्पेसिफिकली कहना हो, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में, ठीक है, कि स्ट्रक्चर वाइज कैसे क्लासिफाई है, ठीक है। तो लेट्स क्लासिफाई इट, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला कि बेस्ड ऑन व्हाट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, बोन के बीच में, उसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर दो बोन के बीच में फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर मतलब कोई मेम्ब्रेन है, कोई लिगामेंट है, ठीक है, तो उन जॉइंट्स को कहेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। आई मेरी बात समझ में, बेस्ड ऑन कि अगर कार्टिलेज प्रेजेंट है बोन्स के बीच में, तो उससे अपन कहेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। और अगर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है तो उन्हें अपन कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। आई मेरी बात समझ में, तो दो बोन्स के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट। अब अपन देखते हैं सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है ना। तो फाइब्रस जॉइंट्स भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कि अब देखो ये बात क्लियर है कि दो बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, बट ये भी तीन तरह के होते हैं। पहला दूसरा कुछ नहीं होता, अपन जो पहला पढ़ेंगे वो। तो एक्चुअली सबसे फेमस सूचरल जॉइंट्स, ठीक है, तो एक्चुअली दीज आर सूचर्स, ठीक है। दूसरा सिंडेस्मोसिस, ठीक है। तीसरा गॉम्फोसिस, ठीक है। तो अपन तीन जॉइंट्स देखने वाले, सूचरल जॉइंट्स, सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस, ठीक है। और ये अब अपन पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर। आई मेरी बात समझ में, ग्रेट। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब अपन सबसे पहले सूचरल जॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूचरल जॉइंट्स स्टार्टिंग, भाई देखो समझो, सबसे पहला प्लेन सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, प्लेन सूचरल जॉइंट। एक्चुअली सूचरल जॉइंट्स होते हैं ना, वो मेनली स्कल के अंदर होते हैं, ठीक है, ये जो पूरा इतना स्कल है इसके अंदर होते हैं और इमूवेबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लेन सूचरल जॉइंट्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ जॉइंट्स बना लेता हूँ, ठीक है, प्लेन सूचरल जॉइंट्स की। तो लेट्स से ये दो बोन्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये दो बोन्स है, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब वो फाइब्रस स्ट्रक्चर कोई मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई लिगामेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो मैं लिगामेंट को ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, मेरी बात आ रही समझ में। तो कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो भी अपन लिगामेंट्स और ये मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ग्रीन कलर से बनाते हैं, राइट। तो प्लेन सूचरल जॉइंट, इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो ये सिंपल एक दो बोन्स के बीच में स्ट्रक्चर है, प्लेन है, कुछ नहीं है, दीज आर प्लेन सूचरल जॉइंट्स, ठीक है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था निजल बोन, ठीक है, तो आपको बताया था दो निजल बोन है बीच में जुड़ी हुई है, तो एक्चुअली ये प्लेन सूचरल जॉइंट है, ठीक है ना। तो अब कोई भी चीज के बीच में स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होता है, तो इसे अपन कहते हैं इंटर, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटर
नेजल सूचर, आई मेरी बात समझ में, इंटरनेजल सूचर, ठीक है। मैक्सिला, जो मैंने बताया दो मैक्सिला है, ठीक है, उनके बीच में भी यही प्लेन सूचरल जॉइंट है, तो इंटर मैक्सिलरी सूचर, ठीक है। इंटर पैलेटाइन, पीछे, ठीक है, दो पैलेटाइन बोन थी याद है, इंटर पैलेटाइन सूचर। तो आपको आगे मेरी बात समझ में, तो ये हो गए अपने प्लेन सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, प्लेन सूचरल जॉइंट, ठीक है। दूसरा ये हो गया पेन। अब देखो, मान लो दो बोन के बीच में सिरेशंस प्रेजेंट है। सिरेशंस मतलब जैसे आरी, देखिए जैसे ये हो गई अपनी आरी, ठीक है ना, तो आरी कैसी होती है, ठीक है, तो ये आरी होता है ना, जो सपन कट करते हैं, तो ये होते, इसे कहते हैं सिरेशंस, ठीक है, जो शार्प स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया सिरेशंस, तो इसे अपन कहते हैं सिरेट सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, सिरेट सूचरल जॉइंट। आई मेरी बात समझ में। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बोन हो गई, ठीक है, इस तरह की बोन होगी और ये बीच में अपने फाइबर स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल हो गया अपना सिरेट सूचरल जॉइंट का, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एग्जांपल अपन देखे, ठीक है, फाइबर का ही, मतलब जो अपन सूचरल जॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसमें ही सेकंड वाला है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल देखें तो जो आपका पेराइटल है, ठीक है ना, ये पेराइटल बोन, ठीक है, तो पेराइटल के बीच में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इंटर पेराइटल, इंटर पेराइटल जो अपना सूचर है वो है सिरेट सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, तो इंटर पेराइटल सूचरल जॉइंट। आई मेरी बात समझ में। अच्छा, बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार इतना कैसे याद होगा, मेरी बात मानना, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। ये मत सोचना कि इतना कैसे याद होगा, इतना कैसे नहीं याद होगा, अपने आप सब कुछ याद होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम दोगे ना, जैसे मैं लास्ट में समरी की वीडियोज बनाता हूँ, वैसे तुम भी अपने आप को एक बार पढ़ा दोगे, अपने दोस्तों को पढ़ा दो, तुम्हें सब चीज़ें याद होती जाएगी। ऐसे एक बार देखने से तुम्हें एक एल्गोरिदम पैटर्न मिलेगा, लेकिन याद इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो आपको पैटर्न दिख रहा है, हाँ ये क्लासिफिकेशन है इस तरीके से। मैं थोड़ा बहुत आपको डायग्राम में बताऊंगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा रिटेन रहेगी, ठीक है। अगला है स्क्वैमस सूचरल जॉइंट, ठीक है। एक्चुअली मान लो अगर कोई दो बोन ओवरलैप कर रही है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं स्क्वैमस सूचरल जॉइंट, ठीक है ना। तो लेट्स से, तो ये एक्चुअली ओवरलैप कर रही है, ठीक है, तो दो बोन्स अगर ओवरलैप कर रही है, इसे अपन कहते हैं स्क्वैमस सूचरल जॉइंट। आई मेरी बात समझ में। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल, ठीक है, टेम्पेरोपेराइटल सूचर, ठीक है, टेम्पेरोपेराइटल सूचर, ठीक है। फोर्थ, अब देखो अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है, देखो ये जो इंटरनेजल था, इंटरमैक्सिलरी प्लेन, इंटरपेराइटल सिरेट, टेम्पेरोपेराइटल क्या स्क्वेमस, और पीछे ये जो अपना, अब ऑक्सीपिटल रीजन को भी देखना पड़ेगा ना, तभी तो अपन देखते देखते पूरा स्कल देख लेंगे। तो पीछे अपना आ गया डेंटिकुलेट, इसे अपन कहते हैं डेंटिकुलेट सूचरल जॉइंट। अब इसका नाम क्यों डेंटिकुलेट पड़ा, क्योंकि इसके दांत जैसे दो बोन्स आपस में जुड़ती है, ठीक है ना, ऐसे, इस तरीके से, और आप और बीच में फाइब्रस लिगामेंट तो है ही, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो इसका नाम है डेंटिकुलेट सूचरल जॉइंट, और इसका एग्जांपल हो गया लैम्बर्ट सूचर। आपको लैम्बर्ट सूचर पता है ना, देखो इस टेम्पोरोपेराइटल, ये कहां गए अपना, इस इंटरपेराइटल सूचरल जॉइंट को अपन कहते हैं सेजाइटल सूचर भी कहते हैं, ठीक है ना, सेजाइटल सूचर, ठीक है, इंटरपेराइटल सूचर या सेजाइटल सूचर, ठीक है। और ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है, देखो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर बनता है पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, जैसे कि मान लो ये आपका हो गया स्कल, पीछे से अपन ये पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं ना, पीछे से पोस्टीरियर व्यू, मैंने आपको बताया था ना सब चीजें, पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है, और ये अपने हो गई इस तरीके से था, ठीक है, ये अपना पोस्टीरियर व्यू हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन कहते हैं लैम्बॉइड, क्या कहते हैं, लैम्बॉइड, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रेजेंट है पैराइटल और ऑक्सीपिटल रीजन के बीच में, बाहर बहुत बारिश हो रही है, पता है, पूछो, इसे अपन कहते हैं लैम्बॉइड सूचर, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रोशनी नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों को लग सकता है कि फेस पे लाइट नहीं आ रही है ना, यार अपने पास कोई सेटअप वेटअप कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आम इंसान हूँ मैं, ठीक है, मेरा पैशन है पढ़ाना, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं हूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर्स दिखते होंगे तुम्हें, हाँ भाई लाख सब्सक्राइबर है ना, अभी अपने
अभी एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने पास 96,000 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। तो आपको लगता होगा लाख सब्सक्राइबर ये है कि तो बहुत आम आदमी हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेरा शौक है आप लोगों को पढ़ाना, इसलिए मैं बहुत खुश होकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये मत उम्मीद करना कि मेरे पास बहुत करे सारी कोई सुविधा होगी, रिसोर्सेज होगी, ठीक है। ये जो इतना भी मैंने कर दिया ना, ये भी मांग मांग के किया है, ठीक है। बहुत बहुत मिडिल क्लास आदमी हूँ, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक्चुअली एक दो दिन से वेट कर रहा था, आप लोगों को लगता होगा मेरा हुलिया बदल गया कि चार पाँच दिन से वीडियो बनानी, मेरा चार पाँच दिन का गैप आ गया वीडियो में, तो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल आ जाते, और अभी भी रोशनी नहीं आ रही बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं खिड़कियाँ खोल के वीडियो बनाता हूँ जिससे चेहरे पर रोशनी है, अभी रोशनी नहीं आ रही। बट आप लोगों को मेरे चेहरे से मतलब नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो बढ़िया सा आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रही होगी ना, ये ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डेंटिकुलेट हो गया। अगला अपन देखते पांचवा, डेट इज स्किन डायलिसिस। देखो आपको दिख रहा होगा अपन बहुत सारे टर्म्स का यूज कर रहे हैं, एक अपन ने यूज किया था, देखो फाइब्रस जॉइंट के अंदर तीन है, सूचरल, सिंडेस्मोसिस, गॉम्फोसिस, ठीक है। और इसी किसके अंदर, सूचरल के अंदर प्लेन, सिरेट, स्क्वेमस, ठीक है, चौथा डेंटिकुलेट, और पांचवा सिंडायलिसिस, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, याद धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। स्किन डायलिसिस, सिंडायलिसिस का क्या मतलब होता है भाई समझो, ये भी एक तरीके का सूचरल जॉइंट है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स स्कल के अंदर ही होगा, मैंने आपको बताया सारे सूचरल जॉइंट स्कल के अंदर है। तो स्किन डायलिसिस का क्या मतलब है, ये बनता है बीच में स्फिनोइड के रोस्ट्रम में। देखो स्फिनोइड, मैंने आपको बताया था स्फिनोइड, ठीक है, ये हो गया स्फिनोइड, ठीक है। इसके अंदर रोस्ट्रम क्या होता है, ये अभी आपको आपके लेवल पे बताना थोड़ा मुश्किल है। इसे कहते हैं रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड, ठीक है, ये जो निकल रहा है ना, इसे कहते हैं रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड। और ये है वोमर बोन, ठीक है, वोमर का भी एला ऑफ वोमर बोन, ठीक है, एला ऑफ वोमर, और इसके बीच में ये बनता है बोन, इसके बीच में जॉइंट बनता है, इसे अपन कहते हैं स्किन डायलिसिस। आई मेरी बात समझ में, तो बेसिकली दो आपस में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्यूब मतलब कोई दो स्ट्रक्चर आपस में फिट हो जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया स्किन डायलिसिस, ठीक है। तो मैंने आपको पांच के पांच सूचरल जॉइंट्स बता दिए, ठीक है। लास्ट में अपन एक बार रिवाइज और करेंगे, तब आपको चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार अपन डायग्राम में देखते, ठीक है, तो आपको देख सकते हो कि ये है अपना स्केलेटन, ठीक है, और यहाँ पे सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और क्योंकि अपन सूचरल जॉइंट्स पढ़ रहे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपन को सीधा यहीं पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। सूचरल जॉइंट्स आप आराम से स्कल के अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो अपन ने ये देखा, देखो इंटरनेजल बोन, ठीक है, ये अपना प्लेन सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, इंटरमैक्सिलरी, और अंदर की तरफ इंटरपैलेटाइन, ये हो गया अपना प्लेन सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, तो ये हो गया अपना प्लेन सूचर्स, ठीक है ना। और ये मैंने आपको जो बताया था इंटरपैराइटल, ठीक है ना, इंटरपैराइटल याद है, ये क्या है, सिरेट, ठीक है ना, ये इंटरपैराइटल, ये एक्चुअली आपको यहां दिख नहीं रहा क्योंकि ये बोन जुड़ गई है ना, सूचर्स जुड़ जाते, ठीक है, तो ये हो गया इंटरपैराइटल, तो ये हो गया, अरे यार, ठीक है, तो ये अपना हो गया सिरेट, ठीक है, सिरेट सूचर, ठीक है। अब यहां पे साइड में टेम्परो आता है जो आपको आसानी से दिखेगा नहीं, पीछे अपना आएगा लैम्बर्ट, ठीक है, और इसके अंदर आएगा अपना कौन सा, स्किन डायलिसिस, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में, तो स्कल के अंदर आप लोगों को देख सकते हो कि अपन ने क्या क्या देख लिया, राइट। अब अपन देखेंगे, ये हो गया पांच, ठीक है ना, तो ये पांचों आपको आराम से याद हो जाएंगे, राइट। अब अपन देखेंगे, ये देखो अभी अपन ने इतना देख लिया, राइट, इतना ये पांचों स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है ना। तो सूचरल जॉइंट्स के अपन ने चारों पांचों देख लिए, ठीक है, प्लेन, सिरेट, ठीक है, अपन ने पांचों देख लिए, प्लेन, सिरेट, ठीक है, स्क्वेमस, डेंटिकुलेट और स्किन डायलिसिस, ठीक है। तो ये अपन ने पांचों स्ट्रक्चर देख लिए, है ना। अब अपन देखेंगे स्किन, देखो अपन ने ये वाला कवर कर लिया सूचरल जॉइंट, ठीक है ना, अपना सूचरल जॉइंट कवर हो गया। अब अपन देखेंगे सिंडेस्मोसिस, अब ये क्या होता है, ठीक है ना, इस बला को समझते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं सिंडेस्मोसिस, ये हो गया अपना सिंडेस्मोसिस, राइट, समझते। देखो सिंडेस्मोसिस क्या होता है, बेसिकली आप जनरली देखोगे, बेसिकली आप जनरली देखोगे कि जो भी अपन ने अभी तो अपन ने स्कल में देखा, जो भी लॉन्ग बोन्स होती है उसके अंदर मेनली होता है अपने साइनोवियल जॉइंट, जो कि आप पढ़ के भी आते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, है ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो एक्चुअली कभी कभी कहीं कहीं ऐसी जगह, एक्चुअली सिंपल सिंडेस्मोसिस का मतलब क्या है, तुम समझना मेरी बात, देखो मैं एक बार इस वर्ड को तोड़ता हूँ, ठीक है ना। सिंडेस्मोसिस, सिम मतलब जॉइन होना, है ना, सेम स्ट्रक्चर जॉइन हो रहे,
और कहीं ना कहीं बोन ज्वाइन हो रही है। तो बेसिकली सिंडेस्मोसिस इज फाइब्रस यूनियन ऑफ टू बोन्स, ठीक है। तो भाई फाइब्रस ज्वाइंट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दो बोन का यूनियन है। जैसे कि मान लो ये मैं टीबिया और फिबुला बनाता हूँ, ठीक है ना। तो टीबिया और फिबुला बनाता हूँ मैं, तो ये हो गई अपनी टीबिया। एक्चुअली यार यहाँ पे झकझक कर रहा है, मुझे पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ध्यान भटक रहा है, ठीक है। ये हो गई टीबिया और ये हो गई फिबुला। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हो गई टीबिया और ये हो गई फिबुला, राइट। अब देखो समझो मेरी बात क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिंडेस्मोसिस मतलब यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट का मतलब क्या है, कोई मेम्ब्रेन और लिगामेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक टीबिया है, ठीक है, एक ये पूरी टीबिया है और मान लो ये पूरी फिबुला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा हो गया वो हो गया सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये सुपीरियर, ये मिडल, ये इंफीरियर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं, मेरे पास तीसरा हाथ नहीं है, है ना। मेरे पास तीसरा हाथ होता तो मज़ा आता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, मिडल मतलब बीच में, और इन्फीरियर मतलब नीचे, राइट। तो देखो ये मैंने बनाया एक्चुअली इन्फीरियर पोर्शन, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो अपना सिंडेस्मोसिस है वो यहाँ पे है। तो ये जो टीबिया और फिबुला का जो लोअर इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है ना, लोअर इन्फीरियर पार्ट है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक लिगामेंट है, ठीक है। तो ऑफकोर्स लिगामेंट है, मैंने ग्रीन कलर से बनाना है लिगामेंट। आई मेरी बात समझ में? तो ये है एक्चुअली अपना इन्फीरियर टीबियो फिबुलर लिगामेंट। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पे अपना एक जॉइंट है, इसे अपन कहते हैं सिंडेस्मोसिस। आई मेरी बात समझ में? तो ये मेरे को आपको समझाना था, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है ना। हाथ में जो अपन रेडियस अल्ना देखते हैं, ठीक है, मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखाता हूं। देखो जैसे ये अपना हो गया, ठीक है, टीबिया और फिबुला, राइट। ये अपनी होगी टीबिया और फिबुला। तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लोअर एंड में, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है अपना सिंडेस्मोसिस। आई मेरी बात समझ में? दिस इज सिंडेस्मोसिस, ठीक है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है ना। इन यहाँ तक कि जो आप रेडियस देखते हो, ठीक है, ये जैसे रेडियस चलना है, ठीक है। अब आपको देख सकते हो, ठीक है, तो ये जो मीडियल साइड में ये अपनी हो गई अल्ना, ठीक है, और जो लेटरल साइड में, ठीक है, ये अपनी हो गई रेडियस। आई मेरी बात समझ में? तो जो बीच में रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट है, ठीक है, मिडल साइड में, मिडल में, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मिडल, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर का रोल है ना। तो जो मिडल के अंदर भी बीच में एक मेम्ब्रेन है भाई, वहाँ पे तो लिगामेंट है, मेरी बात समझना। जो आपने टीबिया और फिबुला देखा है, जो इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट है, वहाँ पे लिगामेंट है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इस तरीके से मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मिडल पार्ट में, ठीक है, इसलिए अपन इसे कहते हैं मिडल, ठीक है ना। तो जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये भी सिंडेस्मोसिस का एग्जांपल है, मेरी बात है समझ में। और इसे अपन कहते हैं एक्चुअली इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, इंटरऑशियस। रुको देखो मैं आपको बताता हूं, देखो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, ये भी अपना हो गया, ठीक है, ये भी अपना हो गया सिंडेस्मोसिस। तो अगर आप थोड़ा सा देख लोगे ना चीजें, तो और कहीं ना कहीं रिलेटेबल या रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में? तो मैं यहां लिख देता हूं मिडल रेडियो अल्नार जॉइंट। तो इसके बीच में जो है वो भी अपना सिंडेस्मोसिस है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना भाई, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ये बात बताई कि यहां पे तो आपका है लिगामेंट, ठीक है, बट यहां पे है आपकी इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इंटरऑशियस, इंटर यानी बीच में, इंटर जैसे पता है इंटरनेजल, इंटरमैक्सिलरी, है ना, ऑशियस यानी इन बिटवीन बोन्स, तो बीच में, बोन्स के बीच में कोई मेम्ब्रेन है, इसलिए उसका नाम पड़ा इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मिडल टीबियो फिबुलर जॉइंट, यहां पे भी अपनी इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये जो देखो, एक तो मैंने आपको बताया लिगामेंट है, ठीक है ना, तो लिगामेंट को मैंने एक बैंड जैसा बना दिया, ठीक है ना, ये लिगामेंट हो गया। तो यहाँ पे सिंडेस्मोसिस है, इनफैक्ट जो अपना ये फिबुला और टिबिया के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे भी अपना एक इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है। आई मेरी बात समझ में?
तो ये भी अपना एग्जाम्पल हो गया सिंडेस्मोसिस का, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो गया सिंडेस्मोसिस का, ठीक है। तो इन्फीरियर में भी और मिडल में भी, ग्रेट। तो ये अपना कवर हो गया सिंडेस्मोसिस, ठीक है। और तीसरा फाइब्रस जॉइंट, पहला सूचरल जॉइंट, दूसरा सिंडेस्मोसिस, तीसरा गॉम्फोसिस, राइट। धीरे धीरे ऐसे बोल बोल के याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। गॉम्फोसिस, अब अपन देखते हैं गॉम्फोसिस। देखो गॉम्फोसिस, गम, जी, गम, गॉम्फोसिस, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, ये हो गया गॉम्फोसिस, ठीक है ना। तो गॉम्फोसिस एक्चुअली एक तरीके का पैगन सॉकेट जॉइंट है, मेरी बात समझ रहे हो। पैगन सॉकेट मतलब कि कोई स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर में फिट हो गया, और ये इसका वन प्लस एंड गुड एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लो टूथ एंड गम्स, जैसे कि मान लो मैं गम्स बनाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना गम, ठीक है ना, ये हो गया गम, और इसके अंदर आएगा टूथ, ठीक है। तो ये आ गया इसके अंदर टूथ, ठीक है ना। तो टूथ एंड गम जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है, ये हो गया अपना टूथ, ठीक है। और ये एग्जांपल बनता है गॉम्फोसिस का, ठीक है। तो इसके बीच में जो लिगामेंट है, ठीक है ना, इसे अपन कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। क्या कहते हैं? इसके बीच में जो लिगामेंट है इसे अपन कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट, ठीक है, इसे अपन कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। और इसीलिए इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है, ठीक है, टूथ एंड गम जॉइंट, ठीक है ना, टूथ एंड गम जॉइंट, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, तो दैट इज गॉम्फोसिस, क्लियर, खत्म यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो अपन ने पूरा का पूरा, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट देख लिया, ठीक है ना, पूरा का पूरा फाइब्रस जॉइंट देख लिया, ठीक है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, ये रहा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के अंदर तीन, बोलो मेरे साथ साथ, सूचरल जॉइंट्स, सिंडेस्मोसिस, गॉम्फोसिस, ठीक है। सूचरल जॉइंट्स के अंदर पांच, पहला प्लेन, दूसरा सेरेट, तीसरा स्क्वेमस, चौथा डेंटिकुलेट, पांचवा स्किन डायलिसिस। तो आप देख सकते हो वर्ड्स बहुत सिमिलर से, स्किन डायलिसिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ना, ये अपना हो गया सिंडेस्मोसिस, और तीसरा गॉम्फोसिस। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से चीजें है, ये हो गया सूचरल जॉइंट, ये हो गया सिंडेस्मोसिस, और ये हो गया गॉम्फोसिस। आगे मेरी बात समझ में, तो ये अपन ने पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है। अब अपन ने कंप्लीट कर लिया फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है। अब अपन करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ग्रेट। अब देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये सिंपल सी बात है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे, तो दो बोन्स के बीच में आपको कार्टिलेज मिलेगा। आई मेरे बात समझ में, भाई पहले फाइब्रस मिल रहा था तो फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेज मिलेगा तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा तो साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे प्राइमरी कैसे सेकेंडरी। ये हो गया प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और ये हो गया सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसको अपन ऑल, देखो ये है ए के है, ऑल्सो नोन एज, इसका शॉर्ट फॉर्म है ए के, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, इसको अपन कहते हैं सिनकोंड्रोसिस, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसको अपन कहते हैं सिम्फाइसिस, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। या फिर इसका दूसरा नाम है हाइलीन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, या फिर इसका दूसरा नाम है फाइब्रस फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आई मेरी पसंद में। तो ये दो तरह के जॉइंट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। इसका नाम सिनकोंड्रोसिस, अच्छा नाम से आइडिया लग जाएगा, सिन सेम, कोंड्रोसिस कार्टिलेज, तो कोई कार्टिलेज है बीच में, ठीक है ना, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले अपन प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से वापस से वही चीज कि मैं एक बोन बनाता हूँ, ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोन बनाई, ठीक है, ये हो गई दो बोन। इन दो बोन के बीच में है अपना कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या फिर हाइलिन स्ट्रक्चर, इसमें भी स्पेसिफिकली हाइलिन स्ट्रक्चर, तो ये हाइलिन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हाइलिन को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, लिगामेंट को मैंने ग्रीन कलर से बनाया था, ऐसे कोडिंग होती है, ठीक है ना। बरसात जनरली अपन पिंक कलर से बनाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको कोडिंग समझ में आती जाएगी, आप लोग मेरे साथ साथ जैसे जैसे बनाते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। तो ये एक्चुअली अपना हो गया हाइलिन, हाइलिन ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी में और समझ में आ जाएगा ब्लू से क्यों बनाते हैं, राइट। तो ये अपना हो गया हाइलिन, तो बीच में हाइलिन कार्टिलेज है इसलिए इसका नाम पड़ा हाइलिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सिनकोंड्रोसिस मतलब सेम कार्टिलेज, सिनकोंड्रोसिस, ठीक है ना। और ये अपने प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। प्राइमरी क्यों, देखो मैंने आपको जब ऑसिफिकेशन बताया था बहुत ओवरव्यू, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ बताया था, क्या बताया था कि एक तो होता है इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन्स और एक होता है इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स। इंट्रा कार्टिलेजिनस, इंट्रा मेम्ब्रेनस क्या होता है, मेम्ब्रेन से डायरेक्टली बोन्स बन रही है, बट इंट्रा कार्टिलेजिनस क्या होता है, पहले बनेगा कार्टिलेज और वो कार्टिलेज बनेगा फिर बोन। तो जो कार्टिलेज बन रहा है वो एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज, तो जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली वही कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, ठीक है ना, आप मेरी बात आई समझ में। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का मतलब है कि कार्टिलेज बन चुका है, लेटर जा करके लेटर, ठीक है, जैसे कोई भी एज के साथ, जैसे मान लो प्यूबर्टी आई, ठीक है, मेनोपॉज आया, है ना, मेनोपॉज हुआ, ठीक है, मेनार्क हुआ, ठीक है, कुछ भी हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ लाइफ पे वो जो जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अपन ने पढ़ा था इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स, है ना, और यही वो जो जॉइंट है, ठीक है, जो बीच में हाइलिन है उसे अपन कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। वापस समझाओ, प्राइमरी कार्टिलेजिनस बोन्स से उनके प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के दो बोन्स के बीच में हाइलिन कार्टिलेज है जो कि आगे जाकर के बोन्स बन जाएगा, ठीक है। बट सेकेंडरी कार्टिलेजिनस में ऐसा नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई हाइलिन कार्टिलेज नहीं है। वहां पे देखो क्या समझना, जैसे कि ये बोन है, ठीक है, तो बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है ना, वो तो हाइलिन कार्टिलेज से कवर है, ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर है। तो एक्चुअली सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स किसे कहते हैं कि जहां पे बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर है और उन दो हाइलिन कार्टिलेज के बीच में एक फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आई मेरी बात समझ में, तो ये एक्चुअली हो गया फाइब्रस, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और यहां जो आपने देखा, ठीक है, तो ये था अपना हाइलिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में, ये बोन्स है, ये बोन्स है, आगे मेरी बात समझ में, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट, कि पहले तो यही पॉइंट हो गया कि भाई इन्हें कहते क्या है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जैसे दिख रहा है, हाइलिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में फाइब्रस और हाइलिन कार्टिलेज दोनों है, तो मेनली फाइब्रस का कार्टिलेज है, राइट। दूसरा पॉइंट समझना, अब सीधी सी बात है कि क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज जो है ये रिमूव हो जाएगा भाई, आगे जाकर के रिप्लेस हो जाएगा मेन बोन से। अगर आज आपकी बॉडी में देखोगे, जैसे आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई बच्चे नहीं हो, है ना, तो आपके अंदर वो हाइलिन कार्टिलेज दिखेगा ही नहीं, समझ आई मेरी बात। तो वो एक्चुअली एक तरीके से ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हुआ, ये एक्चुअली हुआ एक परमानेंट जॉइंट, सॉरी टेम्प्रेरी जॉइंट, क्योंकि आगे जाके ये रिप्लेस होगा, तो इसे अपन कहते हैं टेम्प्रेरी जॉइंट, ठीक है। बट जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है ना, ये कह लो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, ये एक्चुअली है परमानेंट जॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई रिप्लेस नहीं होने वाला, ये परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। अगला भाई सीधी सी बात है, ये टेम्प्रेरी जॉइंट आगे जाकर के बोन बनेगा, ठीक है ना, ये जो जॉइंट है ये इमूवेबल है, स्ट्रांग है, ठीक है ना, इमूवेबल एंड स्ट्रांग। बट ये जो अपना फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज है, ठीक है ना, तो लिटिल मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में, ठीक है, राइट। अब समझना, लास्ट एग्जांपल्स पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना, ग्रेट। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल अगर आपको याद हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्टिलेजिनस का बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको बताया था, कि ये देखो ये तो है अपनी डायफाइसिस, ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था ये अपनी डायफाइसिस, यहाँ पे आ गया अपना एपिफाइसिस, तो ये होगी अपनी डायफाइसिस, ये आ गई एपिफाइसिस, ठीक है ना, ये डायफाइसिस, ये एपिफाइसिस। लेकिन बीच में मैंने आपको बताया था कि एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है जो बाद में जाके फ्यूज कर जाएगी, ठीक है ना, और इस यहाँ पे एपिफाइसिस, तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ होती है। तो ये जो अपनी एपिफाइजल प्लेट है, ठीक है, ये जो एपिफाइजल प्लेट है, यही एग्जाम्पल है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का, आई मेरी बात समझ में, क्योंकि यही तो हाइलिन स्ट्रक्चर है,
ये ग्रो कर रहा है, यहाँ प्रोलिफरेशन हो रहा है, बोन की जो ग्रोथ है वो लेंथवाइज हो रही है, ठीक है, पर आगे जाके ये फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप बोन देखने के बाद ये नहीं बता सकते कि देखो यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, दिखेगा ही नहीं, आई मेरी बात समझ में। तो आप डिसेक्शन हॉल में जाओगे तो आपको जो बोन मिलेगी आपको प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट दिखेगा नहीं, बट वो बच्चों में दिखता है, आगे जाकर के रिप्लेस हो जाता है, इसलिए तो इसको अपन टेम्परेरी जॉइंट कह रहे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल सीधा सीधा एग्जांपल हो गया, ठीक है, एपिफाइजल प्लेट जो अपन देखते, ये कह लो ग्रोथ प्लेट है ना, आई मेरी बात समझ में। ये एपिफाइजल प्लेट ग्रोथ प्लेट आपको लॉन्ग बोन में दिख जाएगी, उसके बाद कॉस्टोकॉन्ड्रल, ठीक है, जॉइंट्स, जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स होते, कॉस्टो देखो नाम से बदल रहा है, कॉस्टो, कॉस्टो यानी रिब्स, कॉन्ड्रम यानी कार्टिलेज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये बीच में स्टर्नम है, ठीक है, तो इसके और इसके रिब्स के बीच में कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, वो जॉइंट है, ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये हो गया स्टर्नम, राइट, ये स्टर्नम है और ये बीच में कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज 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 दिख रहा है आपको, कार्टिलेज, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ रही रिब्स, है ना। तो मैंने क्या बोला, कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट रिब्स और कार्टिलेज के बीच जॉइंट्स, तो ये जॉइंट्स की मैं बात कर लो, ठीक है, तो ये जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, तो ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो अभी भी आपको अच्छे से कार्टिलेज दिख रहा है, बट होता क्या है, जब एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे बोन बन जाती है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आई मेरी बात समझ में। तो ये एग्जांपल है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आई मेरी बात समझ में, ग्रेट। तो ये मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के। अगर अपन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जांपल की अपन बात करें, समझना, तो एक्चुअली जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट से, ठीक है, सीधी सी बात है, ये कोई रिप्लेस नहीं हो रही, इसलिए इन्हें परमानेंट जॉइंट कहते हैं, ये पूरी लाइफ तक परसिस्ट रहते हैं, बेबी के बॉर्न होने से लेकर के अंत तक ये रहेंगे, ठीक है ना। और आप देखोगे ये हमेशा मिडलाइन में होते हैं, ठीक है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, देखो ये है स्टर्नम, देखो अभी अपन काफ़ी सुपरफिशियल पढ़ रहे, बट देखो ये आपको दिख रही है स्टर्नम, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टर्नम बोन, इस स्टर्नम बोन के भी पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इससे अपन कहते हैं मैनुब्रियम, ठीक है। वैसे ये अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे, अभी अपन जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे, बेसिक्स हल्का हल्का, जबकि बेसिक्स से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा लर्निंग स्टेज में रहना पड़ता है, आपको हर चीज पता नहीं चलेगी, क्योंकि आप बहुत ओवरव्यू ले रहे हो, बट इतना ले रहे हो कि आप डिटेल पढ़ सको, फिर डिटेल पढ़ने के बाद जब वापस बेसिक्स पढ़ रहे थे तो आसान लगता है, आई मेरी बात समझ में। बट स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स को याद करना पड़ता है, मैं आपको पूरी कोशिश करो जितना समझा सकूँ, और मुझे लग भी नहीं रहा कि आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, सब आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया अपना मैनुब्रियम, स्टर्नम का ऊपर वाला हो गया मैनुब्रियम, ये हो गया बॉडी, बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये हो गया ज़िफ़ी स्टर्नम, ठीक है, ज़िफ़र्ड प्रोसेस। तो ये एक्चुअली ये है अपने स्टर्नम के पार्ट्स, ठीक है ना, अब मेरी बात समझना। तो जो अपने सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है वो आपको हमेशा मिडलाइन में जनरली मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैनुब्रियल स्टर्नल जॉइंट है, ठीक है, ये एग्जांपल है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का, क्यों, क्योंकि इनका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो हेलेन कार्टिलेज से कवर है और बीच में है फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ज़िफ़ी स्टर्नल जॉइंट है, ठीक है ना, ये भी है अपना क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। ये जो आप वर्टिब्रा देख रहे हो, ठीक है, इनके बीच में आईवी डिस्क है, ठीक है, ये आईवी डिस्क है, ठीक है, ये भी अपने हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आइए नहीं बात समझ में। तो ये भी अपने हो गए सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ठीक है। और अपन देखें सबसे फेमस एग्जांपल, देखो ये आईवी डिस्क बताया, फिर यहीं पे आपको दिखेगा सेक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में, ये हो गया सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, ठीक है, ये भी अपना है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये भी अपना है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनफैक्ट इसी को अपन कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, आपको बताते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्फाइसिस, उसको अपन कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस, कॉन्ड्रो यानी कार्टिलेज, सिम्फाइसिस यहाँ पे अपन कहते हैं सिम्फाइसिस, राइट। तो आप देख सकते हो जनरली जितने भी स्ट्रक्चर ये मीडियम बीच में प्रेजेंट है, राइट। तो फटाफट मैं लिख देता हूँ एक बार एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, ऑफकोर्स स्टर्नम से स्टार्ट करेंगे, अब आपने एक बार डायग्राम देख लिया ना तो आपको याद रहेगी चीजें, मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ज़िफ़ी स्टर्नल जॉइंट, ठीक है, फिर अपन ने देखा इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है, फिर स्केफ ये सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, और लास्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस, सबसे फेमस एग्जांपल।
आई मेरी बात समझ में, कंप्लीट हो गया कहानी, वो भी गिर जाती है यार। ठीक है, तो ये था अपने कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कहाँ डिफिकल्ट था बताओ। ठीक है, ग्रेट। अब क्योंकि यार वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, मेरा ये लैपटॉप हीट कर जाएगा। ठीक है, कितनी देर की होगी, 35 मिनट की होगी, ठीक है ना। तो अब अपन जो साइनोवियल जॉइंट्स है वो अगली वीडियो में अपन कवर करेंगे, और वो तो बहुत आसान है। ठीक है, इनफैक्ट पूरे एनाटॉमी आसान है, कुछ नहीं है यार, मैं आप लोगों को हार्ड लगने ही नहीं दूंगा। ठीक है, भरोसा रखो, सब चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपन ने पूरा का पूरा देख लिया प्राइमरी, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है ना, ये अपने हो गए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। सिंपल सी बात है, एक है प्राइमरी कार्टिलेजिनस, एक है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। सिनकोंड्रोसिस हाइलैंड कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, इसे अपन सिम्फाइसिस फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या सीन है। ठीक है, ये हो गया टेम्प्रेरी जॉइंट, क्योंकि रिप्लेस होकर बोन्स बनाएंगे, ये परमानेंट जॉइंट है, कोई रिप्लेस नहीं होगा, पूरी लाइफ तक परसिस्ट करेंगे। ठीक है, इमोबाइल स्ट्रॉन्ग, लिटिल मूवमेंट पॉसिबल। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो एपिफाइजल प्लेट, कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, यहाँ एग्जांपल की बात करें तो मैनुब्रियस टनल जॉइंट, जिफिस टनल जॉइंट, आईवी डिस्क, सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो भी मिड लाइन के अंदर अपन ने देखे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो अपन ने कितने ज़्यादा अभी तक जॉइंट्स देख लिए। ठीक है, अभी अपन और जॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे जॉइंट्स देखोगे आपको और चीज़ें याद होती जाएगी। ठीक है ना, एक बार रिवाइज करते हैं, इस बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बोलेंगे वैसे वैसे आप भी बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप भी बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा जॉइंट्स, जॉइंट्स का अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, राइट। जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन में भी अपन ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, मेनली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है ना, इसलिए मेरे को बस रिमाइंड कराना था ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, अपन ने तीन चीज़ें देखी, बताओ तीनों कौन कौन सी चीज़ें, फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस, बहुत बढ़िया, तीसरा साइनोवेल। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। फाइब्रस के अंदर भी अपन ने तीन चीज़ें देखी, ठीक है, बताओ तीनों नाम बताओ, राइट, सूचरल, दूसरा नाम याद रखना सिंडेस्मोसिस, ठीक है, तीसरा गॉम्फोसिस, राइट। उसके बाद सूचरल के अंदर अपन ने पांच देखा, पहला प्लेन, दूसरा सिरेट, तीसरा स्क्वेमस, चौथा बताओ डेंटिकुलेट, ठीक है, पांचवा स्किन डायलिसिस। ठीक है ना, सीधी सी बात, आपको एग्जांपल यहीं से याद होंगे, पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करो, प्लेन, इंटरनेजल, इंटरमैक्सिलरी, इंटरपैलेटाइन, उसके बाद सेरेट, ठीक है, इंटरपेराइटल, उसके बाद नीचे स्क्वेमस डेट इज टेम्परोपेराइटल, पीछे लैम्बॉइड सूचर डेट इज डेंटिकुलेट, और स्किन डायलिसिस स्पिनोइड और वोमर के बीच में, रोस्ट्रम ऑफ स्पिनोइड एंड एला ऑफ वोमर बोन। आई मेरी बात समझ में, तो ये अपना हो गया सूचरल। ठीक है, सिंडेस्मोसिस, सिंपल एग्जाम्पल, सिंडेस्मोसिस का एग्जाम्पल बताओ 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 बताओ, टीबियो फिबुलर, राइट, आया, याद आया। ठीक है, रेडियो, रेडियस और अल्ना के बीच में, टीबियो और फिबुलर के बीच में, ठीक है ना, तो इन्फीरियर टीबियो फिबुलर, मिडल रेडियो अल्नर, एंड इनफेक्ट मिडल टीबियो फिबुलर। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने देखा था इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा था लिगामेंट है। ठीक है, गॉम्फोसिस नाम से बदल रहा है पेगेंट सॉकेट जॉइंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये गम, ठीक है ना, पेगेंट सॉकेट जॉइंट, गम और टूथ के बीच में पेरिडोंटल लिगामेंट है ना। तो ये हो गया अपना फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दो, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी हाइलैंड कार्टिलेज है, ये डायग्राम जब भी आपको याद आ जाएगा ना प्राइमरी के बीच में, ठीक है ना, यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है, देखो प्राइमरी के अंदर हाइलैंड कार्टिलेज, बीच में सेकेंडरी के अंदर हाइलैंड कार्टिलेज कवर करता है, ठीक है, लेकिन बीच में फाइब्रस कार्टिलेज है। ठीक है, यही सब सारी चीज़ आप बताते जाओगे, देखो मैं अभी खुद दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, हाइलैंड कार्टिलेज, हाइलैंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, यहाँ पे क्या कहेंगे, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ही कार्टिलेज है, ठीक है ना, कार्टिलेज सिनकोंड्रोसिस, ठीक है, या सिन सिम्फाइसिस, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ये टेम्प्रेरी है क्योंकि रिप्लेस होंगे, ये परमानेंट है, ठीक है, मूवेबल मूवेबल छोड़ो, टेम्प्रेरी और परमानेंट, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है, और कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे सारे बीच के स्ट्रक्चर स्टार्ट करो बीच से, सिंपल सिंपल, अपन ने वो डायग्राम देखा ना अभी, आपको स्केलेटन याद आना चाहिए, ठीक है, मैनुब्रियस टनल जॉइंट, जिफिस टनल जॉइंट, पीछे आईवी डिस्क, सैक्रोकॉक्सिजल जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, खत्म, कहाँ हो गया याद, दो बार किसी को पढ़ाओ चुटकियों में याद हो गया, कहाँ दिक्कत है, लगता है हार्ड है, बट एक बार पैटर्न पकड़ोगे ना चीज़ें आराम से याद होती जाएगी।
ठीक है ना। और ये याद रखना अपन ने क्या क्या वर्ड्स पढ़े, देखो अलग अलग वर्ड्स पढ़े, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा यहाँ पे सिंडेस्मोसिस, ठीक है ना। उसके बाद एक मिनट, सिंडेस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद स्किन डायलिसिस, ठीक है। उसके बाद सिनकोंड्रोसिस, सिम्फाइसिस, ये अभी मेनली अपने चार वर्ड पढ़े, ठीक है ना, जो थोड़े से आपको लगेगा ना, बाकी आपको ऐसे देखोगे ना तो कुछ फर्क नहीं है भाई। सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस मतलब सेम कार्टिलेज, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। सिम्फाइसिस नाम से याद आता था, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। ये दो तो आप कभी नहीं भूलोगे, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस, है ना। अब देखते हैं सिनडेस्मोसिस। एक्चुअली यहाँ पे सिनडेस्मोसिस यानी बीच में, बोन्स के बीच में, फाइब्रस यूनियन बिटवीन टू बोन्स। और स्किन डायलिसिस यहाँ पे एला बोमर और रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड, ठीक है। ये दो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैं खुद ही याद करा दूंगा, चार बार अगली वीडियो में पूछ लूंगा, याद हो जाएगा। ये दोनों तो आसान है, ठीक है। हाँ ग्रेट, अगली वीडियो में अपन देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स, और इसी के साथ अपन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी लेके आऊंगा, ठीक है ना। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको पता होगा कि पढ़ना क्या है। अपन इतना कुछ देखते, वैसे मैं इंपॉर्टेंट ही अपन चीज़ें पढ़ा रहे, ये मैं सोचना कि इतना ज़्यादा पढ़ना है यार। स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट को एक्लिमेटाइज करने में टाइम लगता है। आप अपने घर से आए हो, आपको बिल्कुल न्यू सराउंडिंग मिल रहा है, सीनियर्स आपसे इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे, रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती है अपने MBBS करिकुलम में, ठीक है, बट इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा मैं कहाँ आ गया। कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान हो रहे होंगे, नए दोस्त, नया सिस्टम, टीचर आके प्रोफेसर ऐसा फटाफट सब पढ़ाते जा रहे होंगे। आपने मोटी मोटी बुक देखी होगी, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, गाइटन, बायोकेमिस्ट्री की, इतनी मोटी बुक। अब आप सोच रहे होंगे पूरे साल में इसका एक एग्ज़ाम है ना, ये कैसे ये याद करेंगे। भाई सब याद हो जाएगा, मैं भी ऐसे ही था, ठीक है। मैं आप लोगों से ज़्यादा मतलब आइटम आदमी, मुझे और ज़्यादा टेंशन होता है, मैंने किया ना। पॉइंट ये है कि एक्सेप्ट करो कि धीरे धीरे होगा। तुम सोच लो मैंने आज सारे शब्द सीखे, आज के आज सब याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। आज आपने इतना देखा, ठीक है, एक घंटे का कंटेंट देखा, दो वीडियो देखी, धीरे धीरे याद होती चीज़ें, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि मैं जल्दी से याद कर लूँ, जल्दी से याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समय के साथ चीज़ें याद होगी, भरोसा रखो, पेशेंस रखो, अपने आप चीज़ें याद होगी, है ना। रोज़ अब तुम लोगों को ये लगता होगा यार टाइम कब मिलता है यार, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे तो कॉलेज से फ्री होते, नए नए लफड़े हो रखे हैं, SGT, LGT, PGT, MGT, PCT, TCT, पढ़ा तो कोई नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े भारी चक्कर है, है ना। तो डरो मत यार, मैं हूँ ना, मैं लाइव सेशन लूँगा, ठीक है। तुम लोगों को जो दिक्कत है सब बताना, यूट्यूब पे हर सैटरडे को लाइव सेशन होते हैं अपने चैनल पे, ठीक है। मैं आप अपन ये डिस्कस करते कि इसको क्या दिक्कत आ रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आशीष है, ठीक है, भरोसा रखो। एज अ मेंटर मुझे मानो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा पूरा गाइड करने की। सारी वीडियोस देखना, मेरी हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ बात होती है। मैं मेंटरशिप वाली वीडियोस बनाता हूँ, गाइडेंस वाली, कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब देखना, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। भरोसा रखो मैं आपके साथ हूँ। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, आप सोचोगे इतना ज़्यादा कैसे होगा, इतना सॉरी बुक कैसे होगी, अरे हो जाती है यार। मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, मैं सेकंड ईयर में आया, मुझे लगा NEET PG के अंदर पूरा MBBS का एग्ज़ाम आता है एक एग्ज़ाम के अंदर। होता है यार, चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तुम्हें लग रहा है सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ कनेक्टेड है, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगा। देखते देखते आप बोलोगे वाह सब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। भरोसा रखो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड बनाओ, या तो खुश रखेगी या खूब टेंशन देगी। पढ़ाई याद नहीं आएगी, मतलब पढ़ाई का टेंशन नहीं होगा, खुश रखोगी, लड़कियाँ खुश रखेगी आपको, ठीक है ना भाई, आपके साथ बढ़िया ऐसे मटक जाएगी, पर्स वर्स लटका के, ठीक है, तो आपको बड़ा मजा आएगा, मतलब आप भूल जाओगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। वो बहुत टेंशन देगी तो इसका टेंशन ही नहीं लगेगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिल जाएगी अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत।